जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, यही सावन महीना चारों तरफ अभी तो आप देख रहे हैं जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश की ही वो सीजन होती है, सावन का ही वो महीना होता है, जब सृष्टि के कण कण में जीव जन्म लेने लग जाते हैं, पेड़ पौधों में, फलों में, हर जगह पत्तियों में जीव अवतरित होने लग जाते हैं, कण कण में शिव का वास हो जाता है, पूरी सृष्टि दोस्तों शिवमय हो जाती है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुबह उठते के साथ सावन महीना भर आप शिवालय में जरूर जाएं और भगवान शिव को दूध और जल से आप उनका अभिषेक करें। सावन महीने में जितना ज्यादा हो सके आप ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक रूप से जाप करते रहें। ये मानस जाप दोस्तों आपको तमाम प्रकार के शिव जी के आशीर्वाद से परिपूर्ण कर देता है। जिस व्यक्ति के साथ शिव जी का आशीर्वाद है, वो व्यक्ति दुनिया में कहीं हारता नहीं है। आप देखो, शिव जी का जो महामंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, कितना भी व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ हो, मौत के मुंह से ये मंत्र जीव को बचा करके ले आता है। इसमें इतनी शक्ति है। भगवान शिव से जुड़ी हुई तमाम चीजों के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पुण्य का भागी बन जाता है। जैसे सावन महीने में आप बिल्वपत्र के पेड़ पर घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, बिल्वपत्र के पेड़ की आप पूजा करें, चंदन के पेड़ की पूजा करें, शिव जी से जुड़ी हुई कोई भी चीज जो भगवान शिव को प्रिय है, उसके दर्शन करने मात्र से दोस्तों आप शिव कृपा के भागी बन जाते हैं। ऐसा ही एक पक्षी है दोस्तों, नीलकंठ पक्षी। इस पक्षी का नाम ही है नीलकंठ। भगवान शिव का बहुत प्रिय है ये। इस पक्षी का आप यूं भी आम दिनों में भी यदि दर्शन करते हैं, सुबह आप उठते हैं और आपको नीलकंठ पक्षी कहीं दिखाई दे जाता है, समझिए आपके तमाम रुके हुए काम हो जाते हैं। यदि आप सुबह उठते के साथ जिस दिन आपको नीलकंठ पक्षी दिख जाए, आपका यदि किसी ने कर्ज आपका पैसा किसी ने ले रखा है और वापस नहीं दे रहा है, और सुबह उठ करके यदि आप नीलकंठ पक्षी के दर्शन कर लेते हैं, आप देखना आप उस व्यक्ति के पास जाए, आपको अपने पैसे का कुछ अंश तो जरूर मिल जाएगा। लंबे समय से आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है और सडनली आपको सुबह उठते के साथ यदि नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाता है, समझिए आपका वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। सुबह उठ करके नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने मात्र से आपकी तमाम इच्छाएं पूरी होती है, आपके जीवन में सुख ही सुख आना शुरू होता है। और सावन महीने में दोस्तों नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने मात्र से आप भगवान शिव की कृपा के भागी बन जाते हैं। आपके घर के आसपास कहीं पर भी हरियाली है, गार्डन है, वहां पर ये पक्षी बहुत ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। तो सावन का महीना है दोस्तों, जहां पर भी आपको लगता है कि यहाँ ये पक्षियों की संख्या ज्यादा है, आप वहां जा करके इन पक्षियों के दर्शन करें और इन्हें दाना डालें। बिना कुछ किए आपके घर बैठे काम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये पक्षी दोस्तों ये इतना शुभ है और इसका दर्शन ही इतना शुभ फलदायी है कि तमाम आपकी इच्छाओं की पूर्ति तुरंत कर देता है। तो सावन महीने में इसके दर्शन भी करें और इसे जरूर आप दाना डालें। दाना में भी आप अक्षत जरूर डालें, आप देखेंगे आपके बड़े बड़े काम आसानी से होने शुरू हो जाएंगे। करके देखिए क्या अनुभव होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें।